जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। और आज ही बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है क्योंकि अब से पूरी पूरी उम्मीद है कि जितने भी आगे से स्टेट पुलिस के एग्जाम होंगे, जिसमें सब इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल के एग्जाम होते हैं, चाहे वो स्टेट पुलिस के हों, चाहे वो किसी यूटी के हों, एग्जाम्पल के लिए चाहे हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस या किसी भी स्टेट को अगर हम कंसिडर करते हैं, तो उन एग्जाम्स के अंदर जो एनसीसी के कैडेट होंगे, जिनके पास एनसीसी का ए बी या सी सर्टिफिकेट है, उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनको प्रीफरेंस दी जाएगी। और ये जो बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैं इस टाइम पर हूँ न्यूज सर्विस डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं, 22 जुलाई 2020 की 10:25 पर ये न्यूज आई है। और इस न्यूज में कहा क्या गया है, इस न्यूज में ये कहा गया कि सेंटर आस्क स्टेट टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू द एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ द पुलिस फोर्स। होम मिनिस्ट्री हैज रिक्वेस्टेड ऑल स्टेट्स टू टेक द रिक्वायर्ड एक्शन फॉर प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्स। मतलब जितने भी डायरेक्ट एग्जाम होंगे स्टेट पुलिस फोर्स के, उनमें इंसेंटिव देना पड़ेगा, उनमें बेनिफिट देना पड़ेगा एनसीसी वालों को। इन ए लेटर टू ऑल स्टेट्स होम मिनिस्ट्री सेड, जितनी भी स्टेट्स को लेटर ये दिया गया उसमें होम मिनिस्ट्री ने बताया है कि ये इनकरेज करेगा बाकी यूथ को भी एनसीसी ज्वाइन करने के लिए, और स्टेट पुलिस के लिए इस तरीके से फायदेमंद होगा क्योंकि एनसीसी के अंदर हम डिसिप्लिन्ड होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं और हमको पहले से कुछ ट्रेनिंग मिल चुकी होती है। तो अगर पहले से ट्रेंड यूथ स्टेट पुलिस में आता है तो ये उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। होम मिनिस्ट्री हैज ऑलरेडी डिसाइडेड टू ग्रांट इंसेंटिव टू द एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कॉन्स्टेबल इन द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, कंसीडरिंग एफिशिएंसी ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल रिसीव्ड बाय द एनसीसी कैडेट। मैंने पहले भी इस चीज के ऊपर न्यूज बनाई थी कि होम मिनिस्ट्री ने ये तो डिसाइड कर ही लिया है कि जितनी भी सीएपीएफ की फोर्स होती हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जिसके अंदर बीएसएफ, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस, एसआई, ये जितनी भी पोस्ट होती हैं, इनके अंदर तो पहले से ही होम मिनिस्ट्री ने डिसाइड कर लिया कि एनसीसी वालों को बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा इट हैज आस्क्ड ऑल स्टेट्स एंड यूटी टू ग्रांट इंसेंटिव टू द एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर देयर पुलिस फोर्सेज ऑन द सेम पैटर्न एज बीइंग गिवन टू द एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर इन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय द सीएपीएफ। तो जैसे सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अंदर एनसीसी वालों को बेनिफिट देना होम मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है, उसी तरीके से होम मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट किया है सभी स्टेट और यूटी से कि वो अपने भी जोन से पुलिस के एग्जाम है ना, जो स्टेट लेवल पर होते हैं, चाहे वो एसआई की पोस्ट के लिए हैं या फिर कॉन्स्टेबल की पोस्ट के लिए हैं, तो वो उनमें एनसीसी वालों को बेनिफिट प्रोवाइड करें। इट हैज आस्क्ड ऑल स्टेट्स टू सेंड द डिटेल ऑफ एक्शन टेकन इन ऑल रिगार्ड, और बताना भी है कि हमने क्या एक्शन लिया, हम कितने मार्क्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इंटरव्यू में क्या बेनिफिट दे रहे हैं, अगर है तो वो सारी डिटेल स्टेट्स को होम मिनिस्ट्री को भेजनी पड़ेगी। तो आई होप ये न्यूज आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी चैनल के साथ। आपको पता है कि प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी चैनल पर मैं एनसीसी और डिफेंस से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।